गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स. आज हम आपको क्लास फोर्थ हिंदी सेकंड चैप्टर 10 and 11 का रिवीजन एक्सरसाइज करवा रही हूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट 4 में इसी आधार पर क्वेश्चन आएंगे. हर क्वेश्चन से 3 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें आपको एक सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है. प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन होंगे. क्वेश्चन चैप्टर 10 क्रिया अभ्यासकार का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें. पहला, क्रिया किसे कहते हैं? सुधार लिखें. इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं. तीनों क्वेश्चन से आप में किसी से भी आपको हर उत्तर का 3 ऑप्शन रहेगा, जिसमें सही ऑप्शन पर सही का चिन्ह लगाना है. खा, निम्नलिखित वाक्यों शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाइए. पहला, शर्म से शर्माना. दूसरा, लालच से ललचाना. तीसरा, लाज से लजाना. चौथा, झूठ से झुटलाना. गा, निम्नलिखित शब्दों से प्रेरणात्मक क्रिया बनाइए. पहला, काटना से कटवाना. दूसरा, जोड़ना से जुड़वाना. तीसरा, भेजना से भिजवाना. चौथा, मांगना से मंगवाना. गा, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए. पहला, किसी काम का करना या होना कहलाता है क्रिया. दूसरा, मोहन पत्र लिखता है इस वाक्य में क्रियापद है लिखता है. तीसरा, रोहित गांव गया इस वाक्य में क्रियापद है गया. चौथा, वह अपना काम कर चुका है इस वाक्य में कर चुका है संयुक्त क्रिया. आओ दोहराएं. दिए गए वाक्यों में से क्रियापद चुनकर लिखिए. वह यह भी लिखिए कि वे सकर्मक हैं या अकर्मक. पहला, राधा ने पत्र लिखा. इसमें क्रिया है लिख, ये सकर्मक क्रिया है. दूसरा, चिड़िया उड़ गई. उड़ गई शब्द क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है. तीसरा, पेड़ पर फल लगे हैं. लगे हैं शब्द क्रिया है, यह सकर्मक क्रिया है. चौथा, तुम हंसते हो. हंसते हो शब्द क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है. पांचवा, जीतू का भाई लखनऊ गया. गया शब्द सकर्मक क्रिया है. छठवा, कुत्ता भौंका. भौंका शब्द अकर्मक क्रिया है. सातवा, सूरज पूरब से निकलता है. यहाँ निकलता है शब्द सकर्मक क्रिया है. आठवां, बच्चा खेल रहा है. यहाँ खेल रहा है शब्द अकर्मक क्रिया है. नौवां, बच्चे मैदान में खेलते हैं. यहाँ खेलते हैं शब्द सकर्मक क्रिया है. दसवां, बच्चा सो गया. सो गया शब्द अकर्मक क्रिया है. अब चैप्टर 11 काल का रिवीजन एक्सरसाइज करवाएंगे. अभ्यासकार का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे. काल किसे कहते हैं? सोधा लिखे. भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल. इसमें से भी उसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर आएंगे. क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 3 ऑप्शन रहेंगे. सही ऑप्शन पर सही का उत्तर लगाना है. खा, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए. पहला, चेतन भोजन कर चुका है. इसे हमें भूतकाल में बदलना है, तो चेतन भोजन कर चुका था. दूसरा, अनुज समय पर स्कूल पहुंचेगा. इसे वर्तमान काल में चेंज करना है. अनुज समय पर स्कूल पहुंच रहा है. तीसरा, सीता पार्क में पढ़ रही है. इसे भविष्य काल में बदलना है. सीता पार्क में पढ़ेगी. चौथा, वैभव कल मेरे घर आएगा. इसे भूतकाल में चेंज करना है. वैभव कल मेरे घर आया था. पांचवा, नीलिमा कल अपने मामा जी के घर गई थी. इसे भविष्य काल में चेंज करना है. नीलिमा कल अपने मामा के घर जाएगी. इसके अतिरिक्त नोटबुक में आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे आदि लिखवाया गया है, जिनमें से भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे. इसमें भी क्वेश्चन आंसर उसी प्रकार से दिए जाएंगे जैसा कि एक्सरसाइज में बताया गया है. आज का रिवीजन कार्य पूरा हुआ. धन्यवाद.